अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन डिटेल के बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि आप ऑनलाइन जो है ना IIUI जो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है उसमें जो है ना ऑनलाइन कैसे जो है ना आप अप्लाई कर सकते हैं। कम्प्लीट प्रोसीजर, स्टेप बाई स्टेप प्रोसीजर जो है ना आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले जो है ना आपने गूगल क्रोम पे आना है, ठीक है। यहाँ पे IIUI लिखेंगे, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक ऐसा इंटरफेस, जो मेन इंटरफेस है IIUI का, वो आपके सामने जो है ना आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना ई सिस्टम पे आप क्लिक, जैसे ही यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम पे जो है ना आपने क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक ऐसा इंटरफेस जो है ना ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है ना फीस स्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स, कौन कौन से एलिजिबल क्राइटेरिया, ये मैं प्रीवियस वीडियो में आपके साथ पहले ही शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। अगर तो आपका यहाँ पे पहले ही अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, तो मतलब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहे, तो वो स्टूडेंट तो जानते होंगे कि कैसे अप्लाई करना है और कैसे जो है ना अपना जो है ना नेक्स्ट प्रोसीजर करना है, तो वो स्टूडेंट जो है ना लॉग इन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट जो है ना फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट में अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, पहले जो है ना उनका यहाँ पे अकाउंट नहीं बना हुआ IIUI का, तो वो जो है ना यहाँ पे यही पेज जो है ना ओपन होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर ये पेज नहीं ओपन होता तो यहाँ पे आप साइन इन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यही इंटरफेस जो है ना ओपन होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना फुल नेम लिखना है, जो कि आपके मैट्रिक और जो है ना FSC के रिजल्ट कार्ड पे लिखा होगा, ठीक है। वो फुल नेम यहाँ पे आपने लिखना है, जेंडर मेल या फीमेल जो भी है, ठीक है, यहाँ से आप जो है ना लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपनी ईमेल एंटर करनी है, वो वैलिड ईमेल जो है ना आपने, जो के जो है ना हर टाइम जो है ना आपके रेंज में होती है, ठीक है, मतलब जो है ना हर टाइम आपके यूज़ में हो, वो ईमेल आपने यहाँ पे एंटर करनी है। उसी ईमेल को रीटाइप करना है आपने, ठीक है। फिर यहाँ पे नेशनलिटी, अगर तो पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी है, अगर ओवरसीज तो यहाँ पे मैं तो पाकिस्तानी हूँ, ठीक है। तो अपना CNIC या बेफाम नंबर, क्योंकि कुछ स्टूडेंट का CNIC नंबर नहीं बना होता जो अंडर ग्रेजुएट में अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वो बेफाम नंबर जो है ना एंटर करेंगे विदाउट डैशेज, ठीक है। डैशेज के साथ जो है ना आपने वो बेफाम नंबर जो है ना आप एंटर नहीं करना। यहाँ पे आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है, ठीक है। कोई सा भी आप पासवर्ड जो है ना अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। पासवर्ड आपने याद रखना है, पासवर्ड रीटाइप करना है यही जो यहाँ पे आपने लिखा होगा। और उसके बाद जो है ना अप्लाई फॉर, किस में आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो सारा जो है ना आपने यहाँ पे लिखना है। तो हम जो है ना BS में अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे BS पे क्लिक करूँगा। जो स्टूडेंट जो है ना किसी और डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, MA MSc या LLM वगैरह या PhD में, तो वो यहाँ पर चेक कर रहे हैं। आई हैव रीड ऑल द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन बिफोर अप्लाइंग, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपने साइन अप पे क्लिक कर देना है। तो आप ये देख सकते हैं, जैसे ही मैंने साइन अप पे क्लिक किया है तो मेरे सामने जो है एक ऐसा इंटरफेस हो गया है, वो मैंने फॉर्म फिल कर लिया था, ठीक है। प्लीज़ चेक एडमिशन एलिजिबल क्राइटेरिया केयरफुली, अप्लाई ऑनलाइन इफ़ क्वालिफाई एज पर रिक्वायरमेंट। एडमिशन प्रोसेसिंग फी जो है ना 1500 है, ठीक है, जो कि फॉर्म आपने एंड पे डाउनलोड करना है, वो जो है ना आप को मैं एंड पे बताऊंगा कि वो आपने फॉर्म डाउनलोड करना है, फिर उसको फॉर्म को सबमिट करवाना है आपने बैंक में, ठीक है, और वो फॉर्म जो है आपने अपलोड करना है, तो वो नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। यूनिवर्सिटी फी वंस पेड इज़ रिफंड ओनली बिलो मेंशन। अगर तो आपका एडमिशन हो जाता है IIUI में, ठीक है, तो IIU में एडमिशन हो जाता है आपका, और अगर आपका किसी और यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हो जाता है, क्योंकि समटाइम स्टूडेंट ने ना एट अ टाइम 2 या 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया होता है, ठीक है, तो उनकी जो है ना फर्स्ट प्रेफरेंस कोई और यूनिवर्सिटी होती है, सेकेंड प्रेफरेंस फिर जो है ना कोई और यूनिवर्सिटी होती है, ठीक है। तो अगर तो आपने जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखा है उसमें आपका एडमिशन हो जाता है, तो आप जो है ना जब आपने फ़ीस सबमिट करवाई है IIUI में, तो फ़ीस सबमिट के 1 वीक तक जो है ना आप अपनी पूरी फ़ी जो है ना रिफ़ंड करवा सकते हैं, ठीक है। अगर 1 वीक से अबव चला जाता है और 15 डेज़ के अंदर अंदर जो है ना आप 50% फ़ी रिफ़ंड करवा सकते हैं, और जो है ना अगर 50 डेज़ से ऊपर चला जाता है टाइम, तो फिर आप अपनी फ़ी रिफ़ंड नहीं करवा सकते। ये HEC की तरफ से ना पॉलिसीज़ है, ठीक है, इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर प्रीवियस क्वालिफिकेशन, फिर सिलेक्ट प्रोग्राम, सिलेक्ट प्रेफरेंस, फैमिली एंड अदर डिटेल, फिर सेव पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना आपने जिस प्रोग्राम में अप्लाई किया था उसका आप यहाँ पे देख सकते हैं, फुल नेम भी जो है ना आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, जो कि आपने पहले ही एंटर कर चुके हैं साइन अप करते वक्त। ईमेल भी आपने एंटर कर दी थी, पास जो CNIC वो भी एंटर कर दिया था।
अब जो है ना यहाँ पे आपने अपना फादर का नेम, ठीक है, अपने फादर का नेम फुल जो है ना वो एंटर करना है, ठीक है। मोबाइल नंबर कोड यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा कौन सा कोड है, फ़र्ज़ करें मेरा ये है, और यहाँ पे नेक्स्ट जो है ना आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना। उसके बाद यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, सिंपल सा प्रोसीजर है। यहाँ पे कोई सी भी डेट ऑफ बर्थ जो है ना आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो आपकी है, ठीक है। तो वो डेट ऑफ बर्थ जो है ना आपने यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पे फ़र्ज़ करें ये जो है ना डेट ऑफ बर्थ बनी है, तो आपने ऐसे जो है ना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर कर देनी है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से आप जो है ना चेंज कर सकते हैं अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है। उसके बाद नेशनैलिटी पाकिस्तानी, वो पहले ही हम ऐड कर चुके हैं, मेल और फीमेल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपनी पिक जब आपने अपलोड करनी है, ठीक है, अपलोड पासपोर्ट साइज पिक्चर विद ब्लू और वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। पहले अपने ध्यान रखना है कि आपकी पिक जो है ना वो ब्लू या वाइट बैकग्राउंड में हो, ठीक है, और मैक्सिमम जो उसका साइज़ हो वो 4 MB का हो, ठीक है। जब भी आप अपनी फाइल अपलोड करते हो ना तो कोशिश किया करें कि उसको जो है ना फाइल में क्रिएट करके ना अपलोड किया करें, जैसे कि JPG होगा, PNG फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे आप गूगल, ऑनलाइन, क्रोम से भी जो है ना आप अपनी फाइल जो है ना, ठीक है, यहाँ पे आप लिखिएगा कन्वर्ट कन्वर्ट इमेज टू JPG फॉर्म, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये देखें इमेज कन्वर्ट, तो इस इधर से आप जो है ना आसानी से जो है ना अपनी कोई भी इमेज जो है ना कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको जब आप इमेज कन्वर्ट कर लेंगे उसको आप डाउनलोड करिएगा अपनी फाइल में, एक सेपरेट फाइल में उसको डाउनलोड करिएगा। उसके बाद यहाँ से चूज़ फाइल पे क्लिक करके तो आप जो है ना अपनी पिक जो है ना वो उसको आसानी से जो है ना अपलोड कर सकते हैं, जो जिधर भी फोल्डर में आपकी पड़ी है। फ़र्ज़ करें आपकी इस फोल्डर में पिक पड़ी है, ठीक है, तो उसको जो है ना आप यहाँ से चूज़ कीजिएगा, ठीक है, और चूज़ करने के बाद यहाँ पे ओपन कीजिएगा, और ओपन करने के बाद जो है ना आपकी यहाँ पे पिक जो है ना आपको जो ना वाजह नज़र आएगी, लेकिन कोशिश करें कि ब्लू और वाइट बैकग्राउंड हो। उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपने डोमिसेल सेलेक्ट करना है, डोमिसेल कहाँ का है, पंजाब का है, अगर KPK का है, फेडरल का है, तो जहाँ से जिधर का भी आप वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, ठीक है, जौन सा भी आपका डिस्ट्रिक्ट हुआ वो यहाँ से जो है ना आप ऐड कर लीजिएगा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसके बाद रिलीजन के वाले से आप देख लीजिएगा, हो डिड यू फाइंड अस, मतलब आपने IIUI के वाले से कहाँ से देखा था। तो अगर आपने न्यूज़पेपर जिधर से भी देखा था उधर से आप क्लिक कर दिएगा, मैंने इनकी वेबसाइट से देखा है, ठीक है। वांट टू अवेल यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र फैसिलिटी, येस आर नो, ठीक है। अगर तो आप दूर से हैं, फ़र्ज़ करें कोई स्टूडेंट जो है ना वो इस्लामाबाद के अंदर ही किसी जगह पर रह रहे हैं, तो वो जो है ना ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है ना अवेल करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ आप नो पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे नो पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर तो आप हॉस्टल की फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे येस पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे नो पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप जो है ना टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, यहाँ पे अगर तो आप डिसेबल हैं तो यहाँ पे आप लिखिएगा कि कौन से चीज़ में डिसेबल है, अदरवाइज नॉन पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ही जो है ना ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने सेव एंड मोड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब तक आप यहाँ पे सेव और मोड नेक्स्ट पे क्लिक नहीं करेंगे आपका फॉर्म जो है ना सेव नहीं होगा, और एट द एंड जो है ना आपको रजिस्ट्रेशन कर जो आपकी फ़ाइनल जो सबमिशन होगी उसमें जो है ना फिर फाइनल सबमिशन कंसिडर नहीं होगी। फिर यहाँ पर स्टूडेंट जो है ना काफ़ी सवाल पूछते हैं, तो ये उसके बाद जैसे ही आप सेव और मोड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप जो है ना प्रीवियस क्वालिफिकेशन पे जो ना आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आपने मैट्रिक की क्वालिफिकेशन एंटर करनी है, आपने मैट्रिक किया है या ओ लेवल किया है वो बता दीजिएगा, यहाँ पे किस स्कूल से किया है, ठीक है, जो भी आपका स्कूल है वो बता दीजिएगा। उसके बाद ग्रुप कौन सा था, साइंस था, आर्ट्स था, जो भी था आप बता दीजिएगा, ठीक है। कंप्लीशन किस ईयर में जो ना आपने अपनी मैट्रिक कंप्लीट की है, ठीक है, तो वो जो ना आप यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद टोटल मार्क्स कितने थे, ठीक है, तो 1000 टोटल मार्क्स थे, आपने उसमें से कितने ऑब्टेन किए, ठीक है, तो आपने जितने भी ऑब्टेन किए वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसकी परसेंटेज क्या बनती है यहाँ पे खुद ही कैलकुलेट होके आ जाएगी। डिग्री टाइप क्या थी, रेगुलर स्टूडेंट थे, ठीक है, या प्राइवेट थे। देखिए रेगुलर वो स्टूडेंट है जो कि स्कूल जाते रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट वो स्टूडेंट है जिन्होंने घर बैठ के जो है ना सिर्फ एग्ज़ाम दिए हैं, वो उन स्टूडेंट को पता होगा जो प्राइवेट स्टूडेंट है। उसके बाद यहाँ पे अपने अपनी जो है ना ये मैट्रिक की जो है ना रिज़ल्ट कार्ड वो आपने अपलोड करना है, आप पिक खींच के, ठीक है, उसकी जो है ना आप पिक खींच लीजिएगा, उसको JPG फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है, इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसको एक फ़ाइल में बना के, तो यहाँ से जो ना आप सच है वही प्रोसेस है जैसे हमने जो है ना अपनी पिक अपलोड की है, ठीक है, यहाँ से आप अपनी जो है ना फाइल अपलोड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। इसको कोई भी फाइल है उसको आपने सेलेक्ट करना है, ओपन करना है, तो वो फाइल जो है ना यहाँ पे आपको शो हो जाएगी, ठीक है। तो
तो उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी एफ एस सी की डिटेल शो करनी है, ठीक है। एफ एस सी अगर आपने किया है या ए लेवल किया है, जो भी किया है, उसके बाद बोर्ड कौन सा था ये आपने यहाँ पे एंटर करना है, ग्रुप कौन सा था, एफ एस सी प्री मेडिकल या इंजीनियरिंग या जिसमें भी आपने किया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपने जो है ना किस ईयर में अभी जो है ना एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो यहाँ पे आपने एंटर करना है। डिग्री टाइप कौन सी थी, रेगुलर स्टूडेंट थे, ठीक है। टोटल मार्क्स कितने हैं, ठीक है। चूंकि जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, तो वो अपने जो है ना पार्ट वन के मार्क्स यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। पार्ट वन के टोटल मार्क्स थे 505, ठीक है। तो ऑब्टेन मार्क्स आपने कितने लिए हैं वो जो है ना आपने यहाँ पे एंटर कर देने, आपके जितने भी मार्क्स आए थे, तो परसेंटेज आपकी खुद ही निकल आएगी, ठीक है। जो स्टूडेंट्स जो है ना पार्ट टू का रिज़ल्ट आ चुका है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो है ना रिपीटर भी होते हैं, रिपीटर से मुराद है कि उन्होंने पार्ट टू जो है ना प्रीवियस ईयर या उससे भी प्रीवियस ईयर में की होती है, ठीक है। तो वो फिर अपना जो है ना यहाँ पे सच है जो है ना रिज़ल्ट अपना जो है ना सारा लिखेंगे, ठीक है। तो रिज़ल्ट वेटिंग, यस ऑफ कोर्स, तो जो स्टूडेंट रिज़ल्ट वेटिंग है वो यहाँ पे फिर क्लिक कीजिएगा, तो उनका जो है ना वो पार्ट टू वाला जो है ना सेटअप ख़त्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे अपनी वही जो है ना पार्ट वन की आपने फिर से पिक लेनी है, ठीक है। उसको जीपीजी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है और कन्वर्ट करके यहाँ से फाइल चूज़ करनी है, ठीक है। फाइल चूज़ करके जिधर भी आपकी वो फाइल पड़ी है उसको अपलोड कर देना है, ईजी प्रोसेस है। फिर वो फाइल आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बीएस इंजीनियरिंग प्रोग्राम ओनली, यहाँ पे एंटी टेस्ट के वाले से बताया गया है कि आपने कौन सा एंटी टेस्ट दिया है, ठीक है। तो सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए जो है ना एंटी टेस्ट वैलिड है, और लॉ के लिए, ठीक है, जो स्टूडेंट लॉ में अप्लाई कर रहे हैं वो अपना जो है ना यहाँ पे लैट टेस्ट के जो है ना मार्क्स एंटर करेंगे। लैट टेस्ट के वैसे तो 100 मार्क्स हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट जो है ना इंजीनियरिंग या प्रोग्राम में, या क्योंकि IIU का लॉ जो है ना वो बेस्ट है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो है इसमें लॉ में ही अप्लाई करते हैं। तो अगर तो आपने मतलब लॉ में नहीं अप्लाई करना तो आप यहाँ पे इसको स्किप कर देंगे। आर यू विलिंग टू अपीयर फॉर IIU एंटी टेस्ट, ठीक है। तो वो यहाँ पे आप यस कर देंगे, ठीक है। लेट अपकमिंग टेस्ट अप्लाइड, जो अपकमिंग जो लेट टेस्ट है, ठीक है, उसमें क्या आपने अप्लाई किया है। अगर तो आपने ये लेट टेस्ट नहीं दिया तो फिर आपने जो ना उसमें ज़रूर अप्लाई करना हो, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना। अदरवाइज आपने जो है ना इसको वैसे ही छोड़ देना, ठीक है। तो इसको जो ना आप वैसे ही स्किप कर देंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे सेव और मोर नेक्स्ट पे, मूव नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। मैं आपको प्रीवियस वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ कि इसमें जो है ना अंडर ग्रेजुएटेड प्रोग्राम में जो, ठीक है, अंडर ग्रेजुएटेड प्रोग्राम जो BS के प्रोग्राम है उसमें सिर्फ इंजीनियरिंग और लॉ का जो है ना टेस्ट रिक्वायर्ड है। उसके जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, जैसे जोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बॉटनी, उसमें टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो उसको फिर आपने वैसे ही स्किप कर देना है और जो है ना सेव एंड मूव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इस पे ज़रूर आपने क्लिक करना है, फिर ये जो है ना आपका पेज जो है ना सेव हो जाएगा। सेव और मूव नेक्स्ट पे क्लिक करने से पहले इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आप सेव और मूव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो है ना वो प्रोग्राम सिलेक्शन के वाले से आ गया है। नेक्स्ट जो मैंने नेक्स्ट पे अप्लाई किया, सेव एंड मूव नेक्स्ट पे, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे जो ना अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करना है, जिस भी प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ना आप अपना प्रोग्राम, ओनली दोस प्रोग्राम आर एक्टिव इन विच यू आर एलिजिबल, ठीक है। ये सिर्फ वो प्रोग्राम इलेक्ट हुए हैं जिसमें जो ना आप एलिजिबल हैं। तो मैं जो ना यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं कि मैंने दो प्रोग्राम जो ना अपने सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ना मैं अप्लाई करने वाला हूँ। अगर आप ज़्यादा भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि मैंने जो है ना फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकंड प्रेफरेंस यहाँ पे जो है ना सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेव एंड मूव नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। आपने जो भी प्रेफरेंस सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। प्रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, कि आप जो है ना फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना चाहते हैं। मैं जो है ना BS बायोटेक्नोलॉजी को फर्स्ट प्रेफरेंस, और BS बायोलॉजी को, और BS इन्वायरमेंटल साइंस को जो ना थर्ड प्रेफरेंस देना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं सेव एंड मूव नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। जैसे ही आपने यहाँ पे सेव एंड मूव नेक्स्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे अपना फादर स्टेटस, ठीक है, जिंदा है तो ऑलिव पे क्लिक कर दीजिएगा, वरना डिक्रीज पे। उसके बाद नंबर ऑफ डिपेंडेंट, ठीक है, मतलब अपने जो है ना सिबलिंग का नाम लिखना है, बहन भाई आप कितने हैं वो यहाँ पे लिखना है, अपने मंथली इनकम कितनी है आपकी। उसके बाद जो है ना गार्डियन नेम, जो गार्डियन है आपके उनका अंकल चाचू मामू ताया जो भी लिखना है आपने। गार्डियन ऑक्यूपेशन, ठीक है, फादर फ़ोन नंबर या गार्डियन का फ़ोन नंबर, जो मोबाइल नंबर यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद उनका फादर या गार्डियन का CNIC। उसके बाद अपना ब्लड ग्रुप, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो यहाँ पे आप जो है ना लिख दीजिएगा। उसके बाद जो है ना मैरिटल स्टेटस, अगर आप सिंगल हैं,
तो यहाँ पे सिंगल पे क्लिक कर दीजिएगा। ट्विटर, अगर आपका ट्विटर बना है या फेसबुक बना है तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा हैव यू बीन स्टूडेंट ऑफ IIUI बिफोर, नो आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ IIUI। परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आपने जो है ना सेलेक्ट सिटी, जो जिस भी सिलेक्ट सिटी से आप वो फ़ोन नंबर एड्रेस और एरिया कौन सा है वो यहाँ पे आपने जो है ना रूरल या अर्बन, ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो है ना सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद मेलिंग एड्रेस एज सेम एज परमानेंट, अगर वो ही रखना चाहते हैं आप तो उस इधर क्लिक कर दिए, अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे फिर आपने जो है ना मेलिंग एड्रेस पे जो है क्लिक करना है। बैंक अकाउंट डिटेल, यहाँ पे अपनी बैंक अकाउंट डिटेल देनी है, नहीं भी देनी तो ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट पे जो है क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये सारा कुछ फिल करने के बाद, ठीक है, आपने यहाँ पे लिखना है कि मैंने जो है ना फॉर्म को सारा पढ़ लिया है, एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है, ठीक है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद, क्योंकि मैंने अभी जो ना, क्योंकि मैं इसमें अप्लाई भी नहीं कर रहा, मैंने तो बस जो है आपको बताना है कि इसमें कैसे अप्लाई करते हैं, तो ये सारा जो है ना आपने उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर आपने अपना जो है बैंक चलान डाउनलोड करना है, 1500 प्रोसेसिंग फ़ी है उसकी, वो आपने बैंक में सबमिट करवाना है ड्यू डेट से पहले पहले, मतलब जो लास्ट डेट उस पर लिखी होगी उससे पहले पहले उसको आपने अपलोड करना है, जैसे आपने इमेज और जो है ना अपने डॉक्यूमेंट्स की पिक जो है ना अपलोड की थी, ठीक है, उसको आप अपलोड कर दीजिएगा। और एंड पे फाइनल सबमिशन आपको ईमेल पे मैसेज आ जाएगा कि आपकी जो है ना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। इसके वजह से कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दुआ में रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।